आज हम आपसे बात करेंगे गायनेकोमेस्टिया या मेल बूब सर्जरी के साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि कई लोगों को बताया जाता है कि प्रोसीजर बड़ी सिंपल है, 1 घंटे में आप वापस जा सकते हैं, लेकिन लोगों का मेन कंसर्न रहता है कि उसमें बाद में कोई आफ्टर केयर तो नहीं रहेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता या कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा। सो आपको ये समझना होगा कि कोई भी चीज के साइड इफेक्ट या किसी भी सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन इस चीज पर डिपेंड करते हैं कि हम किस पार्ट में कर रहे हैं और उस प्रोसीजर में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। जो गायनेकोमेस्टिया रहता है इसमें हम लोग बेसिकली सुपरफिशियल रहते हैं, मतलब स्किन के जस्ट नीचे रहते हैं, स्किन और मसल्स के बीच में रहते हैं। सो स्किन से रिलेटेड साइड इफेक्ट होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। इस जो साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, अनइवननेस हो सकता है, मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं कम। ये इसलिए होता है कि कहीं पे स्वेलिंग ज्यादा होती कहीं कम होता है, कई बार कुछ कलेक्शन या हिमेटोमा या ब्लड कलेक्शन रहता है, इस वजह से स्वेलिंग रहती है या अनइवननेस रहती है। किसी किसी में सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन मीन्स ये होता है कि कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर का रिस्क रहता है इन्फेक्शन होना, तो अगर प्रॉपर तरीके से प्रोसीजर ना किया जाए, आइडियल कंडीशन में, एसेप्टिक कंडीशन में हम लोग पूरा प्रोसीजर ना करें तो हमेशा रिस्क रहता है। स्पेशली यदि पेशेंट डायबिटिक है या इन्वायरमेंटल कंडीशन या जहां पर सर्जरी कर रहे हैं वो आइडियल कंडीशन में नहीं है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, या पोस्ट ऑपरेटिवली एंटीबायोटिक अगर नहीं ली गई है तो ये रिस्क बना रहता है। सो इन्फेक्शन का रिस्क हार्डली 1% या 2% रहता है और बहुत आसानी से उसको मैनेज किया जा सकता है। प्रोफाइलेक्टिकली हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं हर पेशेंट को फॉर नेक्स्ट 5 to 7 डेज, साथ ही सारी एसेप्टिक प्रिकॉशन जो आइडियल कंडीशन में रखी जाना चाहिए वो हम लोग सब रखते हैं। सो हमारे पेशेंट में जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है लेस देन 1% होती है। इसके अलावा एक अगला जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ब्लीडिंग। कोई भी सर्जरी करते हैं अंदर कुछ ब्लीडिंग होना ही रहता है, मोस्टली हम लोग उसी समय उसको हेमोस्टेसिस अचीव कर लेते हैं, वेसोकंस्ट्रिक्टर एजेंट देते हैं जो सॉल्यूशन डालते हैं उसमें जिससे कि ब्लीडिंग ना हो, लेकिन फिर भी माइनर ब्लीडिंग अगर होती है अंदर तो बॉडी उसको क्लॉट बना लेती है या फिर अब्सॉर्ब हो जाता है। वो रेयर ऑफ द रेयर कंडीशन में कुछ सीवियर ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है, उसको भी हम लोग बचाने के लिए उस पर कंप्रेशन गारमेंट पहनने का बोलते हैं पेशेंट को फॉर नेक्स्ट 5 to 7 डेज, ताकि अंदर कुछ कलेक्शन ना हो, यदि कुछ हो तो वहीं की वहीं वो रुक जाए। इसके अलावा अगला जो साइड इफेक्ट हो सकता है कि उस एरिया में नंबनेस या सुन्नपन होना, जो निप्पल वाला एरिया रहता है वहां पर इसके प्रोसीजर के बाद टेम्पररी एनेस्थीसिया या लॉस ऑफ सेंसेशन रहता है वो धीरे धीरे रिकवर करता है अगले 4 to 5 मंथ्स में। जो पेरिफेरी रहता है निप्पल के सराउंडिंग एरिया वहां का भी जो सेंसेशन है वो नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है शुरू के कुछ हफ्तों तक। अगर हम और दूसरे साइड इफेक्ट्स की बात करें तो रेयरली सीरोमा फॉर्मेशन भी एक हो सकता है। सीरोमा फॉर्मेशन मीन्स स्पेशली उन केसेस में होता है जिसमें हम लोग बड़ा गायनेकोमेस्टिया ट्रीट करते हैं ग्रेड 4 टाइप का या ग्रेड 5 का, उसमें बहुत ज्यादा फैट निकालने का सक्शन करने का रहता है तो उसमें कुछ वाटरी कलेक्शन निकलता रहता है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, डेट इज कॉल्ड सीरोमा। नॉर्मल कंडीशन में वो सेल्फ लिमिटिंग रहता है या थोड़ा होता है तो बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, यदि बहुत ज्यादा रहता है तो उसे हम लोग जहां से हमने ड्रेन डाला है, जहां से हमने इंसिजन लगाया वहीं से उसे डायलेट करके जो अंदर कलेक्शन है उसे हम लोग निकाल सकते हैं। उसमें बहुत ज्यादा बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन होने का या डर नहीं रहता है, सिर्फ ड्रेसिंग करने का समय बढ़ जाता है। तो ये जो सारे कॉम्प्लिकेशन है हमेशा नहीं होते हैं, बहुत इनका जो चांसेस रहता है 1 या 2% रहता है, और ये सही सेटअप में सही सर्जन में के गाइडेंस में अगर करा जा रहा है तो ये प्रैक्टिकली ये सारे कॉम्प्लिकेशन देखने में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अनइवननेस रहता है। अनइवननेस कई बार ऐसा लगता है कि कहीं पूरा ग्लैंड नहीं निकाला है या कुछ छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं रहता है क्योंकि हम लोग जब उसको ओपन करते हैं तो कम्प्लीटली जितना मैक्सिमम पॉसिबल है सराउंडिंग का एरिया और निप्पल वाले रीजन का कम्प्लीट ग्लैंड रिमूव करते हैं, लेकिन टेम्पररी हार्डनेस इसलिए हो सकती है कि कई बार कुछ ब्लीडिंग होती है वो ब्लीड होके वो जम जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है और वो एक हार्ड नूडल के रूप में फील होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है, जस्ट पेशेंट को हम लोग रिश्योर करते हैं, उसके लिए कुछ कंप्रेशन गारमेंट जो पहन रहे हैं उसे कंटिन्यू करने का बोलते हैं और उसको मसाज करने का बोलते हैं बाय सेम ऑइंटमेंट। कई लोगों को कंसर्न रहता है कि कोई स्कार या निशान तो नहीं रहेगा, तो इसमें जो प्रोसीजर रहता है प्रैक्टिकली 2 या 3 महीने बाद आप देखेंगे तो उसमें कोई निशान नहीं दिखता है, क्योंकि वो जो करते हैं प्रोसीजर लाइपोसक्शन में बहुत ही छोटा होल रहता है, कुछ मिलीमीटर 2 या 3 मिलीमीटर का रहता है, इनिशियली कुछ हफ्तों तक या 1 से 2 महीने तक वो विजिबल होता है, मगर लॉन्ग टर्म में या परमानेंट कोई स्कार विजिबिलिटी नहीं रहती है। जो दूसरा इंसिजन हम लोग लगाते हैं निप्पल एरियोला स्किन के जंक्शन पे लगाते हैं, तो जो जंक्शन पे लगने की वजह से मतलब ब्लैक और नॉर्मल स्किन के जंक्शन पे होने की वजह से उसकी भी विजिबिलिटी नहीं के बराबर रहती है। एक और कंसर्न रहता है लोगों को कि ये फिर से तो नहीं हो जाएगा, हमने प्रोसीजर करा
और इसके बाद हम लोग तुरंत काम पे जा पाएंगे कि नहीं, एक्सरसाइज कम से कर पाएंगे, जिम कर से कर पाएंगे। तो ये जो गायनेकोमेस्टिया है मोस्टली 14, 15, 16 ये एज में मोस्टली डेवलप होता है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो या हम लोग सर्जरी करते हैं वो 18 प्लस 19, 20 साल से अधिक उम्र के रहते हैं। तो एक बार आपका वो एज निकल जाता है तो हार्मोनल इम्बेलेंस वाला जो एज है वो निकल चुका रहता है। तो हमने यदि उसको कम्प्लीटली निकाला है सर्जरी के द्वारा तो फिर से होने का कोई चांस नहीं रहता उस जगह पर गायनेकोमेस्टिया का। गायनेकोमेस्टिया के बाद आप अगले दिन से लगभग सारे काम कर सकते हैं, आपको घर पे बैठने आराम करने का जरूरत नहीं रहता है, सिर्फ एक प्रेशर गारमेंट लगाना रहता है और लगभग 80-90% एक्सरसाइज जो होती है वो आप 4-5 डेज से चालू कर सकते हैं। सिर्फ जो चेस्ट वाले मूवमेंट वाली एक्सरसाइज रहती है जैसे बॉक्सिंग मूवमेंट होता है या बैडमिंटन खेलना है या जिसमें अपर लिम्ब यूज होता है, आर्म्स यूज होते हैं, फ्लेक्स करना रहता है, वो जो एक्टिविटीज रहती है उसे हम लोग 3-4 हफ्ते तक रोकने का बोलते हैं। बाकी आप जो कार्डियो करते हैं, स्क्वेटिंग, एब्डोमिनल एक्सरसाइज करते हैं, वो सारा आप स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर 7 डेज। एक और क्वेश्चन रहता है कि उस पार्ट का स्किन हम लोग नहीं निकाल रहे हैं तो लूज तो नहीं हो जाएगा? ये क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता है जिनमें बड़ा साइज का गायनेकोमेस्टिया रहता है, ग्रेड 4 टाइप का या बड़ा, काफी सारा हम लोग इसमें फैट निकालते हैं, क्योंकि गायनेकोमेस्टिया हम लोग स्किन नहीं निकाल रहे हैं, स्किन के नीचे का सब चीज निकाल रहे हैं। तो यदि बहुत बड़ा साइज का गायनेकोमेस्टिया है तो ऑब्वियसली वो स्किन जो है वो कहाँ जाएगी? तो मोस्टली बहुत ज्यादा लूजनेस नहीं होती है अगर हम प्रॉपर उसकी पोस्ट ऑप केयर करें, सही तरह से सर्जरी करें, क्योंकि जो स्किन रहती है वो अगले कुछ समय में श्रिंक करती है अंडरलाइन टिश्यू के हिसाब से। जो प्रोसीजर रहता है इसमें हम लोग कंप्रेशन गारमेंट पहनने का बोलते हैं, उससे ये फायदा रहता है कि जो स्किन है या जो एक्स्ट्रा स्किन है वो अंडरलाइन मसल से चिपक जाती है। दूसरा, जो ये प्रोसीजर रहती है मोस्टली यंग पेशेंट में रहती है, तो यंग पेशेंट में इलास्टिसिटी स्किन की अच्छी रहती है जिसकी वजह से अगले कुछ महीनों में वो ग्रेजुअली श्रिंक कर जाती है। दूसरा, जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं इसमें रॉ एरिया या ट्रॉमा होता है स्किन के अंडर सरफेस पे, मसल के सुपरफिशियल सरफेस पे, तो जब ये घाव स्किन के अंडर सरफेस का घाव जब भराता है तो वो श्रिंक करता है, तो श्रिंक करने की वजह से स्किन भी कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इन सब कारणों की वजह से अनलेस बहुत ही ज्यादा बड़ा साइज है, बिल्कुल फीमेल ब्रेस्ट की तरह है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में कोई लूजनेस नहीं रहती है लॉन्ग टर्म में आफ्टर 2-3 मंथ्स में, और हमें कभी भी स्किन निकालने का जरूरत नहीं पड़ता है गायनेकोमेस्टिया के किसी भी ग्रेड की प्रोसीजर में।